भाजपा और सुभाजपा के बीच हुआ गठबंधन लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की डेढ़ दर्जन से अधिक सीटों पर भाजपा की राह आसान करेगा। साथ ही प्रमुख विपक्षी दलों सपा बसपा को झटका लगना तय माना जा रहा है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पार्टी को पिछड़े वर्ग की प्रमुख कुर्मी, राजभर, निषाद, जाट, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, लोधी वोट बैंक की आवश्यकता है। कुर्मी वोट बैंक के लिए भाजपा का अपना दल एस से गठबंधन है। निषाद वोट बैंक के लिए निषाद पार्टी से गठबंधन है। मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा और लोधी समाज को भाजपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती राजभर समाज का वोट बैंक हासिल करना था, जो राजभर के साथ आने से आसान हो गया। घोसी, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मछली शहर, बस्ती, सलेमपुर, मिश्रिख, संत कबीर नगर, कुशीनगर, डुमरियागंज, महाराजगंज, आजमगढ़, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बहराइच, मिर्जापुर, देवरिया, श्रावस्ती और भदोही लोकसभा क्षेत्र में राजभर समाज के 50,000 से 1.5 लाख मतदाता हैं। राजभर मतदाताओं में सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर की मजबूत पकड़ है। राजभर समाज में भाजपा, सपा, बसपा के राजभर नेताओं की तुलना में ओम प्रकाश राजभर की स्वीकारता ज्यादा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन योगी सरकार में मंत्री बने हुए थे। सुभाषपा ने एनडीए के खिलाफ 19 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मई में ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त भी कर दिया था। लोकसभा चुनाव में घोसी, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, लालगंज में भाजपा को मिली हार की वजह राजभर वोट का बटना माना गया। विधानसभा चुनाव 2022 में सपा और सुभाषपा के गठबंधन के चलते सुभाषपा ने 6 सीटें जीती। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सुभाषपा के एनडीए में आने से भाजपा को पूर्वांचल की डेढ़ दर्जन से अधिक सीटों पर बड़ा फायदा होगा। वहीं 2019 में हारी सीटों पर अब पार्टी की राह आसान होगी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल होने पर बीजेपी से पहली प्रतिक्रिया आई है। योगी सरकार में मंत्री जयशंकर सिंह ने ट्वीट कर ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यूपी में बीजेपी को 80 सीटों पर जीत मिलेगी। बता दें कि बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों की चर्चा को एनडीए में शामिल होकर सुभाषपा प्रमुख ने विराम लगा दिया है। ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए खेमे में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने भी ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने का स्वागत किया। उन्होंने लिखा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए परिवार में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उन्होंने कहा, मुझे पूरा यकीन है कि आपके शामिल होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्कृष्ट नेतृत्व में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प की कोशिश को और बल मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मिली जीत को बीजेपी एक बार फिर भुनाना चाहती है, लेकिन मिशन 80 की राह में महंगाई, बेरोजगारी और विपक्षी एकता जैसी चुनौतियां मुंह बाय खड़ी हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।